वकील विद्वान तर्कशास्त्री विषयों को रखते हैं, निश्चित रूप में भले ही कुछ विषय मन को ना लगे, राजनीतिक पटु तो आएगी स्वाभाविक, मैं भी दो शब्द कहूंगा, जो विषय उठे हैं तो मेरे को उत्तर देना ही पड़ेगा, और उस समय में भले ही एक दो विषय राजनीतिक टीका टिप्पणी सही ना लगे, लेकिन कुछ मूल विषय तो आज सदन ने चर्चा किया। कुछ मित्रों ने थोड़ा अत्यधिक उत्साही होकर, थोड़ा एक कहा जाता है न्यू एंथुजियाज्म रहता है उनकी जो स्वभाव है, किसी की मूल पिंड को तो सभापति जी बदला नहीं जा सकता है, सदन कुछ मित्रों के मूल पिंड को इस बीच में समझ ही लिया है, सदन उनको उतना ही गंभीरता से लेती है, लेकिन आज अच्छी चर्चा अभी तक हुई है। मैं सदन की अभी तक चर्चा में भाग लेने वाले सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूँ, सबको मैं सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ, हमारे मंत्री उसके एक सविस्तार उत्तर भी देंगे। सभापति महोदय, तीन चार छोटे छोटे विषय उससे जुड़े हुए हैं। क्या 2018 में जब आपने ओबीसी कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए, मैंडेट देने के लिए एक संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन आपने लाया, तब आपकी लैंग्वेज ऐसे क्यों रही? सिलेक्ट कमिटी इंटेंट ऑफ लॉ के बारे में स्पष्ट किया था। मैं आभारी हूं सिंघवी जी का, सिंघवी जी ने अपने ही प्रश्न किए, अपने ही उत्तर दिए कि उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने यह कहा था उस समय में, आज वो माननीय राज्यपाल बन चुके हैं कर्नाटक के थावरचंद जी, उन्होंने कहा था देयर इज टू लिस्ट, देयर विल बी टू लिस्ट। ये सदन में उस समय में कुछ साथियों ने प्रश्न उठाया था भी, सिलेक्ट कमिटी से लेके सदन की चर्चा तक उसमें कोई एम्बिग्यूटी सरकार की ओर से कभी नहीं था, ना तब था ना आज है। लेकिन फिर भी एक प्रसंग सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसके बारे में शायद जब जब कभी एक अवसर आती है, देश की निर्णयकर्ता कौन होगा? हमारी डेमोक्रेसी में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर है, कोई किसको ना समझे कि हम ज्यादा जानते हैं और ज्यादा सोचते हैं। इस सदन सदैव प्रजातंत्र में हमें अधिकार दिया है, दिस हाउस दिस दिन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सुप्रीम। आज हम सब मिलकर उसी की आज एक बार पुनः संकल्प करेंगे कि भारत की नीति क्या होगी, गरीब कल्याण क्या होगी, उसके बारे में सदन सुप्रीम है कानून बनाने में। हम इसको एक सही तरीके से कहा गया कि ये वास्तविक एक मॉडिफिकेशन है, इसको एक एक्सप्लेनेटरी क्लारिफिकेटरी अमेंडमेंट है, इसमें कोई नया शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। अब हम उतना ही काम को आज सब मिलकर पूरा करने वाले हैं, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबने अपना अपना कुछ कुछ मुद्दा रखा है, लेकिन सरकार की मूल जो नीति रही है, जो मूल इंटेंशन रही है कि उसको कैसे हम लोग देखें संभालें, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उसकी बैकग्राउंड क्या है? सभापति महोदय, मैं 2004 से 9 लोकसभा की सदस्य था, तब उन दिनों की संजोग देखिए, मैं आज देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वास के कारण शिक्षा विभाग के काम देख रहा हूं, तब इस देश के एक बहुत बड़े नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी शिक्षा विभाग के काम देखते थे, तब हम एक युवा सांसद करके लोकसभा में थे, तब आरक्षण वाला 2008-09 में ओबीसी आरक्षण जो 2090 से लागू हुई थी, जो क्रियान्वयन नहीं हुआ, केंद्रीय स्तर पे राज्यों ने लागू किया, एक आधा राज्य, सिंघवी जी ने वही ठीक कहा कि कई राज्यों ने तो 50% के ऊपर उसको ले चुके हैं। कुछ हिस्टोरिकली अभी थंबी दुराई जी और शिवा जी कह रहे थे, हमारी राज्य आप और मेरे राज्य भी उस पुरानी विरासत की उड़ीसा माड्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा था, इसीलिए उसमें भी उसकी कुछ हमारी परंपरा हमारे राज्य में भी बना है। राज्यों ने तो आरक्षण दिया ही था, लेकिन केंद्रीय आरक्षण, केंद्रीय सूची यद्यपि मंडल कमीशन लागू होने के बाद बना, लेकिन लागू नहीं हुआ था। 2007-08-09 उन दिनों में लागू हुआ, लेकिन सभापति महोदय, उसको सही मायने में क्रियान्वयन अगर होती, सही मायने में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट, काका कालेलकर कमीशन, अब ये कहे कई लोग उसको, मैं राजनीतिक पटु नहीं देना चाहता हूं, सुशील जी ने हमारी ओर से इस विषय को कहा है,
कालेलकर कमिटी जी ने कौन बैठाया था, 80 में रिपोर्ट आने के बाद उसको 90 तक इंतजार क्यों करना पड़ा, 2008 को क्यों इंतजार करना पड़ा, ये सारा एक इतिहास में आगे भविष्य में कोई इतिहास के विद्यार्थी रिसर्च करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, इसमें से कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार की एक पृष्ठभूमि है सभापति महोदय, हम वे लोग हैं जिनकी समाज कैसे होनी चाहिए, समाज कैसे होनी चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारी आज की कोई या कोई अचानक नी जर्क रिएक्शन फलाना आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, हम ऐसे सोचने वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें एक सदियों से जो कुछ विचार इस देश में है सबकी समान अधिकार है, इसलिए हमारी सरकार की नीति रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका जिसकी जो अधिकार है जिसकी जितना भागीदारी है जिसकी जितना संख्या है, अमूमन कुछ लिगेसी इशू हमको मिले हैं रातों रात हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उस विषय को हमको ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ काम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इंटेंशन के ऊपर किसी को शक नहीं होनी चाहिए। हमने मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जब शिक्षा विभाग में बहुत पुरानी बात को नहीं जाऊंगा, लिगेसी इशू तो है ही, उसको ठीक कैसे करें आगे कैसे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनावश्यक हमारी अथॉरिटी पे इंक्रोच किया था, आज सब हम मिलके, उस समय में आप भी थे सदन में बहन हमारी डॉक्टर पाटिल जो हमारी महाराष्ट्र की सदस्य है, थोड़ा कटु स्वाभाविक है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हमारी इंटेंशन पे उनको चैलेंज उनको संदेह आया, इंटेंशन पे कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्लियर है। जब मैं शिक्षा विभाग संभाल रहा था डीएमके की, शिवाजी सम फ्रेंड्स फ्रॉम डीएमके केम टू सी मी, दे रेज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाई इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शिवाजी आई एम एड्रेसिंग यू थ्रू प्रेसिडेंट, आई एम एड्रेसिंग यू इट्स ए इश्यू ऑफ योर पार्टी, सम सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी फ्रॉम लोकसभा केम टू सी मी एंड दे रेज ए पर्टिनेंट क्वेश्चन, व्हाई इन आईआईटीज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज व्हाई There is no reservation for SC, ST and OBCs. It was a news for me. I was not handling this department since long, but somehow I missed that. It's a news for me. When I get into the topic, मैंने जब उसको inquiry किया, जब उसकी जानकारी ली, it's a surprise for me. Till 1918-19, the provision was there will be a reservation, but at entry level. At one level of the assistant professor post and the desired candidate will not be available the next year, the quota will be lapsed. The 2018-19, who rectified that? Honorable Prime Minister Narendra Modi took a bold step and rectified that. There will be no lapse of quota. Aage chalke koi quota lapse nahi karega. OBC ki to reservation ke vishay hi nahi tha. Humne shuru kiya. Abhi NET ke bare mein Shivaji, you mentioned about due to court's direction, due to Honorable Chief Minister Tamil Nadu's pressure, we compelled to implement OBC reservation in central pool. Shivaji, you are a very senior member, you are a learned member. I respect your view. In a democracy, I have to concede this much. I respect your view, but this is not fact. Tamil Nadu and your party has gone to High Court in a different plate. You are asking 69% quota, not 27% quota. You have welcomed that. I am thankful to your Chief Minister. He has welcomed that. Though your party has submitted in front of Chennai High Court, we need 69% quota. But when we took decision, when Prime Minister Modi took decision, the quota will be 27% henceforth. Who prevented from 86? Please. I am not yielding you, my dear friend. I am not yielding you. Please be at this much. This is a democracy. We have to respect each other. I am respecting your Chief Minister's welcoming approach. Please listen. Sabhapati Mahoday, ye jo central pool ki practice decades old hai. Central government, Supreme Court ki direction se, rajyon ki medical college se, pool karke,
सेंट्रल कोटा बनाना यह पुरानी परंपरा है, उसको अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन देने में कौन जिम्मेवार थे? इसलिए प्लीज इन ए डेमोक्रेसी वी हैव टू क्रिटिसाइज ईच अदर बट यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम वेलकमिंग और अप्रिशिएटिंग द स्टैंड टेकन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु. यू मस्ट दैट मस्ट ऑफ मैग्नानिमिटी टू रियलाइज द फैक्ट वी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द लीडर पर्सन हु हैज initiated this decision, who has implemented this historic decision. We all are committed. We have to implement social justice. There are other two issues. And who implemented, my previous speaker had elaborately quoted, Jawaharlal Navodaya Vidyalaya mein, Central School mein, kisne reservation OBC ki logon ke liye implement kiya? Aap sabhi log rahe. Sadan ki sare sadasya, शरद राव जैसे वरिष्ठ सदस्य राज्य चलाए, केंद्र में प्रमुख भूमिका में रहे. अभी हमारे राम गोपाल जी नहीं है, उनकी इशारे तो दिल्ली की सरकार चलती थी. मैं आभारी हूं मेरे भाषण को आदरणीय देवेगौड़ा साहब सुन रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री रहे. किसने मना किया था आपको सेंट्रल स्कूल में ओबीसी विद्यार्थियों को रिजर्वेशन देने के लिए? संजय भाई आपको मना तो कोई नहीं किया था, आप तो बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, किसने क्यों नहीं मना किया? हमने इंप्लीमेंट किया, हम उसको कोई ढिंडोरा नहीं पीटते. ये सत्य है, ये फैक्ट है, उसको हमको सबको आज मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा. मैं एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं. संजोग से मैंने प्रधानमंत्री की विश्वास से पिछले दिनों से पेट्रोलियम विभाग संभाल रहा था. आज राम गोपाल जी अभी नहीं है, राम गोपाल जी की तो एक विचित्र प्रकार की राजनीति है, डर पैदा करो राज करो, डर पैदा करो राज करो. और काहे का कौन सी यादवों को, कौन सी गुजरों को, कौन सी कुर्मियों को, मैं कुर्मी हूं, कौन सी लोगों को हमने रिजर्वेशन तोड़ देना? हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं. आप जो गलती किया था उसको हम जोड़ने वाले लोग हैं. आपने क्या किया था? और आप और एक सेक्टर के साथ जुड़े हो राम गोपाल जी, प्रोफेसर साहब कैसे जुड़े हो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप जुड़े हुए हो. मैं पेट्रोलियम विभाग के कामकाज संभाल रहा था. अभी तक इस सदन को मालूम होगा जो पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती थी या पेट्रोल पंप मिलती थी उसमें से संवैधानिक अधिकार के नाते एससी एसटी रिजर्वेशन था, ऐसे ही अधिकार ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी था. आपको किसी ने मना किया था? आप तो 10 साल 4 से 14 आपकी शासन था, किसी ने चल उसको लगाने के लिए कोई आपको आपत्ति किया था? राजमणि पटेल साहब आप तो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रवक्ता हो और आपकी नेता लोग तो मध्य प्रदेश से आके यहां से दिल्ली की बड़े बड़े नेताओं की रिमोट चलाते थे, आप क्यों नहीं रिमोट दबा दिए? क्यों पिछड़े लोग? मैं राजमणि जी आपका सुन रहा था, मैं कुछ नहीं. अरे भाई हम एक ही राज्य से आते हैं, थोड़ा तो प्रजातंत्र में टीका टिप्पणी को सुन लो. सभापति महोदय हमने 14 से मोदी जी के निर्णय से हमने 11,262 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए, उसमें से एससी एसटी का तो जो अधिकार है मैंने दिया, तो हमने उसको दिया ही. 2852 ओबीसी नौजवानों को रोजगारी के लिए हमने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया. ऐसे ही पेट्रोल पंप तो एक बड़ा मैं धन्यवाद हूं राम प्रोफेसर साहब आगे मेरे को निश्चित रूप में आशीर्वाद करेंगे इस तथ्य को सुनकर. वो जानते हैं, वो बताएंगे नहीं सदन में, लेकिन वो मेरे को आशीर्वाद करते रहे और भी करेंगे. हमने ओबीसी कैटेगरी में कुल मिलाकर पिछले 7 साल में हमने 28,558 पेट्रोल पंप दिए, उसमें 7,888 पेट्रोल पंप हमने ओबीसी नौजवानों को दिया. किसी ने कहा नहीं था, यही हमारी किसी ने कहा कि तो कहने वाले लोग हैं, ये कहने वाले लोग नहीं है. नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा ही मेरा नेता है ये. इसलिए कोई इंटेंशन की जो विषय है मैं उसको एलाबोरेट नहीं करूंगा, इंटेंशन के बारे में कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है. ठीक है राजनीतिक टीका टिप्पणी आप करना है, नहीं तो फिर आप छपोगे कैसे, आपकी नाम चर्चा में कैसे होगा? आप जिनके मन में प्रोफेसर साहब डर पैदा कराना चाहते हो और फिर चुनाव भी आ रहा है यूपी में, उतना तो वाजिब है, मैं आपको सम्मान करता हूं. बाकी दो विषय आपने उठाया, सबने उठाया कि 50% की कैपिंग क्या है, क्यों? सिंघवी साहब को मैं कोट करता हूं, सिंघवी साहब ने कहा कि भाई ये तो खाली डिब्बा है, आप यहां अगर राज्यों को अधिकार हम दे भी दे
लिए तो कभी नहीं थे, देने का कहां प्रश्न आता है, लिए कभी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग किया था, उसको सदन ने आज सख्त रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए लेना देना का विषय अधिकार रहेगा, था और रहेगा भी। बाकी रहा 50% वाले में क्या है, मैं सभापति महोदय बिहार, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी, पौंडिचेरी, ऐसे अनेक राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबको भी कोट कर रहे थे, तो खुद उन्होंने भी कहा कि लगभग 80% राज्य 50% की कैपिंग को जा चुके हैं। कैसे गए, उसकी कैसे अनायास गए, क्या अनायास नहीं किए। अभी इंदिरा साहनी, अमर पटनायक जी हमारे बड़े विद्वान मित्र, उन्होंने इंदिरा साहनी की और उड़ीसा के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो देते, और सभापति जी एक तो मैं तो कभी कभी हैरान रहता हूं, सियासत होनी चाहिए लेकिन तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने 70-80% तक चले गए। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रसन्न आचार्य जी 90 दशक में जब मंडल कमीशन लागू होता था वो राज्य के बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, कैबिनेट में थे, बिजू बाबू हमारे स्वर्गीय बिजू बाबू मुख्यमंत्री थे, शायद एक ही राज्य होगा, हम सब विद्यार्थी थे, एक ही राज्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट आया था मंडल कमीशन लागू ना किया जाए, और प्रसन्न भाई उस कैबिनेट के सदस्य थे और उनकी पार्टी के अभी नए नए सदस्य राजनीति में नहीं थे, अधिकारी थे, बड़े उदे में थे, जानकार व्यक्ति अमर बाबू, वो कह रहे थे कि हम तो देने के लिए तैयार है, आप हमारी हाथ बांधे हो, 50% के ऊपर कैसे जाएं, और लिस्ट कहां है। शरद राव यहां बैठे हैं, लिस्ट उन्हीं के समय में बनने की तय हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस बनी थी, लेकिन 4 से 14 के अंदर नहीं बनी, 11 में एक आई, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट, जयराम जी ग्रामीण विकास के मंत्री भी रहे, उसको हमने लागू किया। जैसे जैसे भी बना, मैं तो बड़े अभिमान के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों की घर, हम उस लिस्ट को, उस लिस्ट में सीमा थी, उस लिस्ट में जाति वाला विषय में कई प्रकार की विसंगतियां थी, लेकिन हमने यूज किया उसको। हम ऐसे लोग नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया था उसको हम लागू नहीं करेंगे। मैंने पेट्रोलियम विभाग के काम संभाला, कल माननीय प्रधानमंत्री जी, पुरी जी, काल को मैं बधाई देता हूं, सदन की ओर से पुरी जी को बधाई देता हूं, कल उन्होंने 1 करोड़ नया LPG कनेक्शन देने की फैसला किया, उसकी पहले हमने 8 करोड़ दिया, SECC लिस्ट के आधार पे दिया, SECC लिस्ट के आधार पे दिया। इसलिए देश में कास्ट सेंसस ये ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, कास्ट सेंसस नहीं होने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अनेक राज्यों ने उसको आधार माना है। अभी शिवाजी और थंबीदुराई जी ने जस्टिस पार्टी की इतिहास बताते हुए माड्रास प्रोविंस की प्रेसिडेंसी की रिजर्वेशन सिस्टम को कोट कर रहे थे। सभापति महोदय, मैं पिछड़े जाति का व्यक्ति हूं, मैं आज क्रिमिलियर हूं, हमारे राव कह रहे, बंदा राव कह रहे थे कि कहां क्रिमिलियर, मैं क्रिमिलियर हूं, मैं आज OBC कहूं खुद को, मेरे पिताजी डॉक्टर है, लेकिन मेरे पिताजी से मैं सुना था बचपन में, उन्होंने BC स्कॉलरशिप से, जो मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन बाद में हुई उसके पहले वो पढ़े, जो कलेलकर कमीशन में संविधान सभा में चर्चा हुई थी, उसी माड्रास प्रेसिडेंसी की परंपरा से उड़ीसा में BC स्कॉलरशिप से मेरे पिताजी डॉक्टरी पढ़े, वो BC स्कॉलरशिप मिला, डॉक्टरी पढ़े, तो मैं सभापति जी आपकी अनुमति में 2 शब्द आज कह पा रहा हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मंत्रिमंडल में हूं। लेकिन शुरुआत कहां हुई, ऐसे ही सारा विषय कालेलकर कमीशन ने कहा गया था, ऐसे ही सारा विषय मंडल कमीशन ने कहा गया था। इसीलिए सभापति जी, यह गैर जिम्मेवाराना होगा यह कहना, सभापति मैं समाप्त करता हूं, कि हमारे वहां लिस्ट नहीं है, उड़ीसा में आज भी लिस्ट है। आपको कौन मना किया था सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में, आपको एक दिखाना था, 52% लोग उड़ीसा में पिछड़े जाति के हैं, आपकी मन में क्या है भगवान को, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा, आप सांकेतिक रूप में चले गए हाईकोर्ट में, कुछ लोगों को भेज दिए, तो आपकी के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं,
राजा स्वयं जैसे जो लोग कहते हैं कि भाई लोग निर्णय किए 27% रिजर्वेशन देने के लिए उड़ीसा में, फिर पीछे से किसी को भेज दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए? भारत, अच्छा ठीक है, मैं अगर गलत हूं तो मेरे तथ्य को निकाल देंगे सभापति जी। अगर मेरे सभापति जी, मेरे तथ्य गलत होगा तो एक्सपंज किया जा सकता, गलत होगा तो। लेकिन सभापति जी, अभी सुशील जी उसकी ब्यौरा दे रहे थे, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हमने स्पेशल लीव पिटीशन फिर डाला 8 दिन के अंदर। आप 14 से हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद, स्ट्राइक डाउन होने के बाद, आज 2021 माने पर आपको आश्चर्य होगा, सदन को आश्चर्य होगा, उड़ीसा एकमात्र राज्य होगा जहां एक स्टेट लिस्ट है। ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट नहीं है, सारे राज्यों में स्टेट लिस्ट है, मेरे राज्यों में स्टेट लिस्ट है। उस स्टेट लिस्ट के आधार पे आपको एक ही राज्य शायद उड़ीसा होगा शायद, जहां पिछड़े जाति के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यह भी है, चलो प्रजातंत्र है, जब समझ में आएगा तब आप देंगे, गुहार करने के अलावा तो कुछ जगह नहीं है। इसीलिए जो कोटा और इंदिरा साहनी ने क्या कहा, इंदिरा साहनी वेंकटचलिया की जो 9 सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कभी मना नहीं किया, एक विशेष परिस्थिति में राज्य अपना अधिकार जाहिर कर सकते हैं, राज्यों ने किया। इसलिए यह भ्रम फैलाना, केंद्र की कोर्ट में बल फेंक देना कि 50% के ऊपर आप हमारी, आपके कारण नहीं जा पा रहे या लिस्ट नहीं है इसीलिए हम कर नहीं पा रहे, दोनों तथ्य के आधार पर नहीं है। सभापति महोदय, मैं सबको, आज एक बौद्धिक चर्चा हुई, सबने मिलकर कुछ एक देश की वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, विशेष करके सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आज सदन एकमत है। मैं फिर आप सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, हम संकल्पबद्ध है। सभापति जी, मैं एक ही थोड़ा शायरी तो कह दूं आज, आज आपकी अनुमति से, हमारी सरकार की फिलोसफी मैंने बताया लेकिन मैं इरादा भी बताता हूं। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। धन्यवाद सभापति।